तो दोस्तों हम जो कि आज एक समर्सिबल मोटर वाइंडिंग करने के लिए एक जो कि गुटका बनाएंगे, मतलब जो कि एक टूल्स बोल सकते हो, समर्सिबल वाइंडिंग का टूल्स। तो इसके थ्रू दोस्तों हम जो कि ये वाला यदि बनाएंगे तो हम जो कि समर्सिबल बोल सकते हो, समर्सिबल मोटर स्टैंड बना रहे हैं हम। जो कि स्टैंड बनाने में दोस्तों वेल्डिंग शॉप से यदि बनाओगे तो मिनिमम जो कि 500 से 1000 रुपया खर्चा आ ही जाएगा। तो वो दोस्तों आपका लगभग आज हम 1000 रुपया बचाने वाले। तो उसको बचाने कैसे बचाएंगे तो आज हम आपको दिखाएंगे। कहीं पे भी वेल्डिंग शॉप पे भी आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपने दुकान पे, अपने घर पे या कहीं पे भी आप कर सकते हो एकदम इजीली। तो कैसे करना है मैं आपको आज बताऊंगा। तो इससे पहले दोस्तों मैं जैसे कि बनाया था तो गुटका मेरा पुराना वाला है, तो इसका तो वीडियो वगैरह मैं नहीं शूट किया हूँ यहाँ पे दोस्तों। ये और एक है पुराना वाला, तीन ठो बनाया था बट तीनों दोस्तों जैसे कि मेरा टूट चुका है। तो टूटने का खास और मेन रीज़न है कि मेरे पास अदर्स गुटका नहीं है ये वाला। इसको मैं गुटका का मतलब यूज़ करके इस टाइप से इसको जब फिटिंग करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर ठोकता था हथौड़ी की मदद से, तो उस वजह से जो कि मेरा ये सब गुटका का ये हाल हो चुका है, मतलब जो कि सब खराब हो चुका है। आज हम दोस्तों नया वाला ही गुटका बनाएंगे जो कि एक स्टैंड की तरह हमारा काम करेगा। स्टैंड की जैसे कैसे काम करेगा, ये टेबल के ऊपर रख देंगे तो एक स्टैंड बन जाएगा। इसको ये दोस्तों रख के इसके ऊपर ऐसे मोटर को सुला कर हम बहुत अच्छे तरीके से इसको वाइंडिंग कर सकते हैं। तो ये तो खैर ऑयल फील्ड मोटर है, इस टाइप से मोटर को रखें हम इसको वाइंडिंग कर सकते हैं। इसको दोस्तों और भी अच्छे से और भी, ये वाला तो दोस्तों उतना अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि मैं खुद इससे पहले बनाया था, जैसे कि तब मेरे पास उतना जो कि आइडिया वगैरह नहीं था, तब मैं दोस्तों अपने हाथ से खुद के मन में खुद के एक्सपीरियंस से इसे मैं बनाया था। आज दोस्तों कुछ हटके बनाएंगे जो कि इससे बढ़िया बनाएंगे और अच्छे तरीके से जो कि वो काम करने वाला है। तो चलिए कैसे बनता है, कैसे बनेगा आज हम आपको पूरा प्रॉपरली दिखाएंगे इसको बनाने के लिए क्या कुछ कैसे आपको करना है। उसको बनाने के लिए दोस्तों इस टाइप का जो कि एक चौर काट लेना है। सो देख सो जो कि चार कोना वाला हो तो बढ़िया है। ये दोस्तों गले गले में, कोने में, बालकनी में, कहीं पे भी आपके घर घर में पड़ा होगा, जैसे कि मेरे पास एक पड़ा हुआ था। तो इसके दोस्तों अभी मैं इसको ले लिया हूँ। इसको दोस्तों इससे कटिंग करना है, जैसे कि जितना मर्जी पीस, यदि जितना पीस आप बनाना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ एक पीस से हो जाता है या नहीं तो दो पीस में आपका काम बन जाएगा। तो इधर से हम क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे और इधर से और एक पीस कटिंग कर देंगे। तो चलिए इसको कटिंग करके लाते हैं, जो कि इसको कटिंग करने के लिए हमारे पास मतलब ये थोड़ा और भी लंबा था, ठीक है। तो इसको मैं कटिंग कर दिया हूँ एक साइड से। इसको कटिंग करने के लिए दोस्तों मेरे पास ये वाला एंगल ग्राइंडर है, बट इससे बड़ा वाला जो कि चाहिए, इससे काम नहीं बनने वाला। जैसे 15 इंच वाला जो एंगल ग्राइंडर है, मतलब जो कट ऑफ मशीन है, उसके थ्रू ही मैं इसको कटिंग करके लाया हूँ। देख तो जो कि थोड़ा लंबा ही था, जैसे 4-5 पीस मैं इसको टोटल 5 पीस कटिंग करके लाया हूँ। तो कटिंग करने के बाद दोस्तों जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसका इंचेस यदि नापोगे तो लगभग 11 इंच 12 इंच ऐसे करके मैं इसको रखा हूँ। तो इसके कोई मतलब नापा नहीं हूँ, बस मैं आपको अंदाज से बताता हूँ जो कि यहाँ से यहाँ का जो कि डिस्टेंस है 11 इंच है। इसको 11 इंच लेने के बाद दोस्तों आपको इधर से कटिंग करना है एक, एंड इधर से एक। इधर का डिस्टेंस दोस्तों आपको मिनिमम जो कि 4 इंच रहना चाहिए, नहीं तो आपको दोस्तों मोटा वाला जो मोटर 3 फेस का मोटर इसके अंदर नहीं जाएगा। तो मिनिमम आप दोस्तों 4 इंच इसको ऐसे टाइप का आपको कटिंग करना है। तो कैसे कटिंग करना है, यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी हमने एक बना दिया हूँ, तो देख दो यू टाइप का हो चुका है। तो इसको दोस्तों मशीन के थ्रू ही बनाया जो कि कटिंग किया हूँ ये वाला, जो कि अपने खुद के देसी तरीके से, जो कि चार्जेस मैं बोला हूँ आपको जीरो, आपको मतलब जो कि जीरो खर्च करके एक टूल्स बनाऊंगा, तो जीरो खर्च करके जो कि मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो इसको मैं कटिंग किया हूँ, कैसे कैसे किया हूँ मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इधर से कटिंग किया हूँ सबसे पहले, उसके बाद इधर से, उसके बाद इधर से, उसके बाद इधर से, उसके बाद इधर 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 से कुछ कुछ कर दिया हूँ। करने के बाद दोस्तों मैं छेनी की मदद से, यहाँ पे छेनी रखा हुआ है एंड हथौड़ी की मदद से इसको कटिंग किया हूँ। तो चलिए अभी हम कैसे करते हैं आपको थोड़ा भी करके भी दिखाते हैं। एंड और हाँ दोस्तों, आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें इसी टाइप से दोस्तों इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए अभी हम इसको बनाकर आपको दिखाते हैं, उसका इसको चेक भी करेंगे अच्छे तरीके से बनाए या नहीं। चलिए अभी हम इसको कटिंग करते हैं। इधर से 4 इंच नाप लेना है, या विदाउट नाप से भी आप कर सकते हो, उसके बाद इसको कटिंग करना है। तो चलिए कटिंग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों आपको एंगल ग्राइंडर लेना है। लेने के बाद दोस्तों इसे आपको जो कि सिर्फ मार्किंग कर देना है दो साइड, जो कि डिस्टेंस दोस्तों 4 इंच रखना पड़ेगा बीच का। जो 4 इंच यदि रखोगे तो दोस्तों आपको 3 फेस का मोटर भी इसके अंदर आप इजिली फंसा सकते हो। ये वाला दोस्तों टूल्स बनाने के बाद इसके अंदर हम जो कि इजिली इसके अंदर मोटर रख के इसको खोलने में बहुत ज़्यादा मदद होगा, जो कि मिट्टी से शॉर्ट टच नहीं होगा, थोड़ा गैपिंग रहेगा, तो नट बोल्ट खोलने में थोड़ा आसानी होगा एंड फिटिंग में भी बहुत ज़्यादा ही आसानी हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो कि इसको चारों ओर ऐसे कटिंग कर देना है, ज़्यादा नहीं कटिंग करना है, जैसे आप इसको 1/2 इंच या फिर 1 इंच तक कटिंग कर सकते हो, जितना आपका जो कि ब्लेड में दम है।
क्योंकि लगभग 1.25 इंच है जो कि 1 इंच से थोड़ा कम है। तो चलिए अभी दोस्तों हम जो कि नाप करके इसे सबसे पहले चार कोना कटिंग कर दें। उसके बाद दोस्तों जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड को कटिंग करते ना वैसे ही, मतलब जो कि दीवार को कटिंग करते ठीक उस टाइप से आपको दोस्तों इसे कर देना है। इसे यदि करो दोस्तों तो आपका परफेक्ट जो कि कटिंग हो जाएगा, जो इसको निकालने में बहुत ज़्यादा ही आसान होगा। यदि ऐसे नहीं करोगे तो आप मतलब जो कि इसे छेनी के थ्रू कटिंग करने की कोशिश करोगे तो उधर से मतलब दूसरे टाइप से जो कि कटिंग होना चालू हो जाएगा, मतलब फिनिशिंग नहीं बनेगा। तो आप यदि इस टाइप से कटिंग करोगे तो आपका फिनिशिंग के साथ आपका जो कि इस टाइप का गुटका बन जाएगा। एंड हाँ दोस्तों, गुटका का डिस्टेंस जैसे कि मैं 11 इंच लिया हूँ, तो 11 इंच की यदि लोगे तो ठीक है, एंड उससे ज़्यादा लोगे तब भी ठीक है, इससे कम मत लेना। क्योंकि यदि जितना कम लोगे दोस्तों, जिससे इससे पहले जो कि मेरा कम था, कम के वजह से जो कि अपने आप जो कि कोर इसके अंदर मतलब नहीं रह पाता, कुछ समय बाद ऑटोमेटिक जो कि थोड़ा इधर उधर गिर जाता था। अरे दोस्तों अच्छे तरीके से हो जाएगा। चार कोना यदि इस टाइप का गुटका लोगे तो बढ़िया है, क्योंकि इधर उधर नहीं हिलेगा। यदि चार कोना नहीं है तो इधर उधर हिलेगा, तो आप चार कोना में ले सकते हो, फिर इसको परचेज भी कर सकते हो। यदि आपके पास नहीं है, जो लकड़ी का काम करते हैं उनके पास टुकड़ा भी पड़ा होगा, एक दो टुकड़ा तो आप ला ही सकते हो 10-20 रुपये देकर, या फिर कोई कोई तो मेरे यहाँ पे जो कि काम करते हैं उनसे मैं फ्री में ले लेता हूँ, क्योंकि उनका जो मशीन वगैरह रिपेयरिंग करने आते हैं उनसे बोलता हूँ तो वो लोग मुझे दे देते हैं 1-2 पीस यदि मेरे ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखते हो अभी जो छेनी की मदद से आपको इसका साइड जो कि आप क्लीन करना है, मतलब जो कि चार कोना टाइप का पीस निकलेगा। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे पीस निकल रहे छेनी की मदद से, यहाँ पे देखते हो बहुत आराम से निकल आ जाएगा। यहाँ पे देखते हो जो कि हमने जो कि कुछ टाइप मतलब जो कि कुछ ही टाइप का कटिंग किया हो ना, इसलिए जो कि ये अच्छे से निकल आ जाएगा इस साइड एंड उस साइड दोनों तरफ। दोस्तों अभी हम इसको बाहर निकाल लेते हैं एंड दोस्तों इसको सफाई करने का बीच में थोड़ा मोटा रह जाएगा, तो उसके दोस्तों आपको थोड़ा छेनी की मदद से पतला कर देना। यदि इसका दोस्तों मतलब फिनिशिंग करोगे जितना, उतना मोटर अच्छे से इसके अंदर अटकेगा, मतलब जो कि बैठेगा। यदि ऊंचा रहेगा बीच में तो ये उतना अच्छे से जो कि नहीं अटक पाएगा, यदि बराबर लेवल है तो ये अटक जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे टूल्स देख सो बहुत अच्छे से जो कि बन जाएगा ये वाला। दोस्तों इसके बिना जो कि समरसेबल मोटर वाइंडिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्रिएट होगा। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि अभी हम इसको कर रहे एकदम आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो छेनी की मदद से इधर उधर थोड़ा सेव कर लेते हैं, मतलब जो कि जहाँ पे थोड़ा ऊंचा है उस वहाँ पे जो कि छेनी की मदद से इसे कटिंग कर देना। यहाँ पे दोस्तों जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी दोस्तों हम दोनों को कंपेरिजन करते हैं। एक तो दोस्तों वैसे मैं खुद ही बना लिया हूँ, तो चलिए देख सकते हो ये जो कि दोनों का व्यू यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों जो कि हमारा बन चुका है। एक तो दोस्तों मैं खुद बनाया हूँ इससे पहले, एंड नेक्स्ट दोस्तों ये वाला जो कि अभी मैं आपको बना के दिखाया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो अभी दोस्तों इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर मोटर इसे हम फंसाएंगे ठीक है। तो एक में दोस्तों इसे अच्छे तरीके से नहीं रुकेगा, दो यदि रहेगा तो दोनों में दोस्तों अच्छे तरीके से इसे रुक जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हो जो कि अच्छे तरीके से स्टेप से ये रुक जाएगा, ये इधर उधर कहीं पे भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो कि हमारा कॉर्नर है ये यहाँ पे अटक जाएगा। देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से जो कि बन चुका है। अभी हम चाहे तो दोस्तों इसके अंदर 3 भी बना सकते, सो यहाँ पे रखा हुआ है और भी 3, इसको जो कटिंग करके इस टाइप से हम बना सकते। बट हम दोस्तों यदि हमें ज़रूरत पड़ेगा तब बनाएंगे, नहीं तो हमारे जो कि काम बन जाएगा। यहाँ पे देखते हो बहुत अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है। हाँ मैं दोस्तों इसको फ्री में ही बनाया हूँ, जैसे कि मेरे बालकनी में पड़ा हुआ था वहाँ से मैं कटिंग करके लेके आके इसको ऐसे बना रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों बड़े से छोटे करने के लिए ये वाला मशीन का यूज कर सकते हो। यदि ये वाला मशीन नहीं है आपके पास तो बड़ा सा कट ऑफ मशीन से भी साथ भी आप कटिंग कर सकते हो। यदि वो भी नहीं है तो आप कहीं से नज़दीक पे जो कि आपका वेल्डिंग शॉप है वहाँ पे बड़ा सा कट ऑफ मशीन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको बड़े अच्छे से कटिंग कर सकते हो। जैसे कि मेरे यहाँ पे नज़दीक पे जो कि वेल्डिंग शॉप था वहाँ से जो कि मैं कटिंग करके लाया हूँ, तो मेरा जान पहचान का है तो इसलिए मुझे फ्री में दिया। यदि आपका जान पहचान है तो मैक्सिमम 10-20 रुपये से, मतलब 10-20 रुपये में ये कटिंग करके आपको दे देगा। तो यहाँ पे देख तो बहुत ही एक अच्छा सा जो कि टूल्स बन चुका है हमारा, वो भी फ्री में। यदि हम दोस्तों इसको वेल्डिंग करके बनाने जाते तो एटलीस्ट 500 लगता, या उससे ज़्यादा तो 1000 रुपये अभी लग सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि हमारा स्टैंड बन चुका है। अभी हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, टेबल के ऊपर रखेंगे। सो देख सकते हो जैसे कि अभी टेबल का जैसे भी हमारा काम करेगा, टेबल के ऊपर इसको इसे मोटर को इसे आपको रखना है। देख सकते हो इसे रखोगे तो ये मोटर अभी क्या है, आगे पीछे कहीं पर भी नहीं हिलेगा, नहीं तो ये दोस्तों बार बार इधर उधर हिल जाता है। ऊपर से यहाँ का जो नट खोलने के लिए हमें जो कि मतलब इसको हम थोड़ा इधर करेंगे तो इसका नट आराम से खोल के इसका आगे का बेस को हम निकाल सकते, पीछे का बेस को भी हम अच्छे से नट खोल के इधर से भी हम इसको बाहर निकाल सकते। सो देख सकते हो दोस्तों हमारा जो कि एक परफेक्ट टूल समरसेबल मोटर वाइंडिंग करने के लिए। सो आज के वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से थैंक यू। आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें।